गाए जा क्या रोना के सभी श्रोताओं को पारोमिता गोस्वामी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज तो मन कर रहा है कुछ बदमाशी करें। क्यों? क्योंकि आज स्टूडेंट स्पेशल है। ये तो आज चलते हैं मिस्री के साथ मस्ती करने। क्या आप तैयार हैं? दोस्तों, आज मैं आपको मेरी पब्लिश्ड बुक ग्रो अप मेसी की कहानी का एक अध्याय सुनाना चाहती हूँ। ग्रो अप मेसी 80 के दशक की कहानी है, एक छोटे से बच्चे की जिसका नाम मिस्री है। 5 साल की है, वो अपने मम्मी पापा के साथ रहती है बॉर्डर आउटपोस्ट में, बंगाल के एक छोटे से गांव में। उसके फादर अनुराग BSF में ऑफिसर हैं और उसकी माँ माधवी एक हाउसवाइफ है। उन दिनों ऑफिसर्स को अलाउड था अपनी फैमिलीज को अपने साथ बॉर्डर आउटपोस्ट में रखना, तो इसीलिए माधवी और मिस्री दोनों ही जो है अनुराग के साथ रहते थे। अब कैंप में कोई भी बच्चा नहीं था, तो इसीलिए मिस्री को खेलने के लिए साथी नहीं मिलता था और वो अपने साथियों को बहुत मिस करती थी। अब ले दे के गांव के बच्चे थे जिनके साथ मिस्री दोस्ती बनाना चाहती थी, मगर वो लोग मिस्री को अपनी टोली में शामिल ही नहीं करना चाहते थे क्योंकि मिस्री उनसे अलग थी। तो अब कलकत्ते से समर वेकेशन पे उनके यहाँ राजू, जो कि उसका मौसेरा भाई है, और उसकी छोटी मासी पल्लवी, दोनों आए हुए थे। तो इसके चलते घर में उसको एक साथी मिल गया खेलने के लिए। लेकिन राजू उम्र में बड़ा होने के बावजूद भी बच्चा ही था और हमेशा कॉमिक्स में घुसा पड़ा रहता था। मिस्री के साथ खेलने को उसको मज़ा नहीं आता था। इसके चलते मिस्री उससे बहुत नाराज़ रहती थी और उसको बहुत छेड़ती थी, और इसीलिए राजू चिढ़ते हुए उसको मेस्सी बुलाता था। मेस्सी यानि ऐसा व्यक्ति जो हर काम बेकार कर दे। तो जब मिस्री अपने गांव के बच्चों के साथ दोस्ती बनाने जाती थी तो राजू उसको चिढ़ाता था, और इसके चलते गांव के बच्चे भी उसको मेस्सी बुलाने लग गए। इसके चलते मिस्री और गुस्सा थी राजू पे। मौका मिलते ही वो राजू की खिंचाई कर डालती थी और फिर राजू शिकायत करता हुआ माधवी के पास चला आता था। यही छोटी छोटी नोक झोंक दोनों कजिन्स में चलती रहती थी। अब आज के एपिसोड की अगर मैं बात करूं तो एक चैप्टर है हार्ड नॉक्स, यानि कठिनाई से किसी चीज़ को समझना। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। तो आज एक ऐसा दिन था जहां
हेडक्वार्टर से कुछ ऑफिसर्स अपने बॉर्डर आउटपोस्ट में आए हुए थे। अनुराग उनके साथ बिजी थे, तो माधवी के ऊपर जिम्मेदारी थी उनके खाने पीने की। सुबह से ही माधवी अपने बाकी असिस्टेंट्स के साथ और पल्लवी के साथ मिलके घर को डेकोरेट करना, बच्चों के ध्यान रखना, खान पीन देखना, डाइनिंग टेबल का लेआउट करना, इन सब में बिज़ी थी। एज अ परफेक्ट होस्ट वो चाहती थी कि उसके गेस्ट को सब कुछ एकदम अप टू डेट लगे। ऑब्वियसली इसमें बच्चे भी शामिल थे, तो उसने मिस्री को सबसे पहले अच्छे से तैयार कर दिया, अच्छा फ्रॉक पहना दिया, अच्छे से बाल बना दिए, सैंडल्स बना दिए, और उसको बिल्कुल हिदायत दे दी कि आप जब गेस्ट आएँ तो उनसे जाके मिल लेना। मिस्री को भी ये बात अच्छे से समझ आ गई, ओके ममा करके वो अपना खेलने में बिजी हो गई। माधवी भी अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए किचन में चली गई। कुछ देर खेलने के बाद मिस्री ने कुछ करने की सोची। उसका सबसे फेवरेट पसंदीदा काम था राजू को छेड़ना। उसने राजू को ढूंढा, लेकिन उसको राजू नहीं दिखा, और जो दिखा उसने उसको ललचा दिया। वॉश बेसिन के ऊपर रैक में पड़ी कोलगेट का टूथपेस्ट उसको अपनी तरफ खींचता चला गया। मिस्री ने नीचे से टूल को खींचा, दाएं बाएं देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, और फिर चुपचाप उस टूल के ऊपर चढ़ गई। फिर उसने पेस्ट उठाया, नन्ही हाथों से उसके ढक्कन को खोला और थोड़ा सा पेस्ट अपनी उंगली में ले लिया, और फिर स्टूल के नीचे उतर गई और आराम से बैठकर पेस्ट को उंगली से चाटने लगी। पेपरमिंट का स्वाद जैसे ही उसके जीभ में पड़ा, वो किसी और ही दुनिया में खो गई। राजू के आने का उसको पता ही नहीं चला। राजू ने देखा जैसे ही मिस्री पेस्ट खा रही है, उसके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी शिकायत करने की। वो तुरंत चिल्लाया, मासी देखो मिस्री फिर से टूथपेस्ट खा रही है। चपाक से मिस्री की आंखें खुल गई और उसने देखा कि राजू अलार्म क्लॉक की तरह बज रहा है, मासी बत देखो, मासी देखो, मासी देखो। किचन से दौड़ती हुई माधवी भी आई, उसके आने की आवाज़ सुन के ही मिस्री भाग गई, क्योंकि उसको पता था अब के मम्मी ने पकड़ा तो पिटाई होगी। माधवी ने उसको कई बार इस तरीके से पेस्ट खाने से मना किया था, लेकिन मिस्री को पेपरमिंट का स्वाद इतना पसंद था कि वो सुनती ही नहीं थी। क्यों चिल्ला रहे हो राजू, क्या हो गया? मासी मिस्री ने फिर से पेस्ट खाया और वो भाग गई। भाग गई? कहाँ भाग गई? वो उधर बाहर, राजू ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। अरे भाग गई तो उसको पकड़ो, तुम यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? माधवी ने अपना सारा गुस्सा राजू पे झाड़ दिया। राजू को भी पता था कि अभी मासी एकदम भड़की हुई है और यहां खड़े रहना ज्यादा ठीक नहीं होगा। वो भी तुरंत भागा मिस्री के पीछे। माधवी चुपचाप वापस अपने काम पे लौट गई। उसको एक अंदेशा था कि मिस्री कुछ गड़बड़ ना कर दे। अच्छा किया जो उसने राजू को उसके पीछे लाने के लिए भेज दिया। उधर मिस्री जैसे ही पलट के देखी कि राजू उसके पीछे आ रहा है, वो दौड़ने लगी। राजू भी पीछे दौड़ा उसके। अरे इतना मत भागो मिस्री, रुक जाओ। लेकिन मिस्री कहाँ सुनने वाली थी, वो तो एकदम पागल घोड़े की तरह दौड़ती चली जा रही थी, दौड़ती चली जा रही थी, और राजू हाँफता हुआ उसके पीछे दौड़ रहा था। थोड़ी ही दूर में मिस्री ने अच्छा डिस्टेंस बना लिया और पहुंच गई एक ऐसी जगह जो उसे एक प्लेग्राउंड से कम नहीं लगा। उसने देखा कि सामने मैदान में
बारिश का पानी इकट्ठा हुआ है। उसको वो दिन याद आ गए जब बच्चों ने, गांव के बच्चों ने उसको अपने साथ टोली में शामिल नहीं किया था, क्योंकि उसको स्विमिंग नहीं आती थी और वो लोग उसे अकेले छोड़कर ही नदी में चले गए थे तैरने के लिए। इस बात से मिस्री बहुत अखड़ी हुई थी कि उसको स्विमिंग करना नहीं आता, और ये एक कारण था जिसके कारण गांव वाले बच्चे उसको अपनी टोली में शामिल नहीं करते थे। तो स्विमिंग सीखने के लिए इससे बढ़िया जगह तो मिस्री को दिखी ही नहीं। उसने तुरंत अपना फ्रॉक थोड़ा ऊपर किया, सैंडल उतारे और अपने पैर को ज़रा सा पानी में टच किया देखने के लिए कि पानी कैसा है। बहुत अच्छा लग रहा था उसे। बस फिर क्या था, वो थोड़ा सा और उस पानी के ढेले में घुसती चली गई। पीछे राजू आके खड़ा हो गया, अरे तुम कहाँ जा रही हो, गीली हो जाओगी, फिर जुकाम लग जाएगा, जल्दी निकलो बाहर, राजू ने उसको गुस्से से बोला। लेकिन मिस्री कहाँ सुनने वाली थी। राजू ने उसका हाथ पकड़ा और उसको खींचने की कोशिश की ताकि वो उस गंदे पानी से निकल आए, और इसी खींचातानी में राजू का हाथ छूट गया और झपाक से मिश्री पानी में जा गिरी। ये देखकर राजू एकदम घबरा गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। उसको बस ये पता था कि अब मिश्री जा कर के मासी को शिकायत कर देगी कि राजू ने उसको गिरा दिया, और फिर मासी उसको डांटेगी। इस डर से वो वहाँ से भाग गया। बस मिस्री को तो यही अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। अब उसे स्विमिंग सीखने से कोई नहीं रोक सकता था। उसके पैर चलाने से, हाथ चलाने से पानी एकदम डर्टी हो गया, और उस गंदे पानी में मिस्री स्विमिंग करना सीखती रही, हाथ पैर चला चला के, चला चला के, चला चला के, कीचड़ में लपत हो कर के उसकी हालत एकदम ख़राब हो गई। उसका वो अच्छे से बाल बनाना, उसका वो अच्छा सा फ्रॉक, वो सब एकदम मडी हो गया। लेकिन उसको ये सब कहाँ दिख रहा था, उसको तो खाली दिख रहा था कि उसको स्विमिंग आ रही है। काफ़ी देर तक वो उस गंदे पानी में छपाक। उधर घर में गेस्ट आ चुके थे, अनुराग से बातें कर रहे थे और माधवी उनको अटेंड कर रही थी। तभी एक गेस्ट ने बोला, अरे अनुराग तुम्हारी बेटी दिखाई नहीं दे रही। तो अनुराग ने हंसते हुए बोला, हाँ वो कहीं पे खेल रही होगी, आ जाएगी थोड़ी देर में। तो वो गेस्ट मुस्कुराते हुए बोले, पिछली बार जब मैं आया था तो तुम्हारी बेटी ने मेरे से पूछा था कि मेरे कितने बच्चे हैं, और अगली बार जब मैं आऊँ तो मैं उन सबको लेके आऊँ। ये बात सुनकर माधवी को बहुत शर्म आई कि उसकी बेटी कैसे कैसे सवाल कैसे कैसे पूछ लेती है। अब की बार तो उसने समझा बुझा के मिस्री को तैयार किया था कि कैसे बात करनी चाहिए, अब पता नहीं वो कहाँ रह गई, कब सुधरेगी उसकी ये छोटी बच्ची। तभी मिस्री वहाँ आ धमकी। बाहर से आवाज़ें सुनकर पीछे के दरवाजे से आने के बजाय उसने फ्रंट रोज से एंट्री ली, और अंदर आते ही उसने कहा, नमस्ते अंकल्स। उसकी छवि तो देखते बनती थी, टप 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 पानी टपक रहा था, कपड़े गीले, कीचड़ में सने, एकदम भूत लग रही थी वो। जितने लोग वहां बैठे थे सब ठहाके लगा के हंसने लग गए। एक ने पूछा, क्या हुआ, किसी से लड़के आ रही हो। मिस्री बोली, नहीं मैं स्विमिंग करके आ रही हूं। अनुराग हंसते हुए बोले, कहीं नदी में तो नहीं चली गई थी स्विमिंग करने। नहीं डैडी, मैं तो
रोड के बाजू वाले मैदान में जो बारिश का पानी जमा था वहां स्विमिंग कर रही थी और सब हंसने लगे जोरों से। माधवी को इतनी शर्म आई कि इस बच्ची को मैंने इतने अच्छे से तैयार किया, लोगों के सामने इस तरीके से आई, वो लोग क्या सोचेंगे कि मैं अपनी बच्ची को नहीं संभाल रही हूँ अच्छे से। माधवी गुस्सा हो गई मिस्री से। उसने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए मिस्री को अंदर ले गई और उसको फिर साफ सुथरे कपड़े पहनाए। माँ आप नाराज़ हो मुझसे, मिस्री ने बिल्कुल बात नहीं की, माधवी ने बिल्कुल बात नहीं की। आई एम सॉरी माँ, मैं दोबारा नहीं करूँगी ये सब। लेकिन माधवी तो बिल्कुल भी मानने को तैयार ही नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मिस्री ने उसकी इमेज बिगाड़ दी। उसका कारण ये था कि वो चाह रही थी कि जब लोग आए तो मिस्री बहुत अच्छे से पेश आए, ताकि वो लोग कहें कि हाँ बहुत अच्छी है। लेकिन जिस तरीके से मिस्री उनके सामने आई, इससे तो यही लग रहा था कि माधवी के पास टाइम ही नहीं है अपनी बच्ची को देखने का। इसीलिए माधवी बहुत गुस्सा थी और मिस्री से बात नहीं कर रही थी। मिस्री भी भाप गई थी कि मम्मी गुस्सा है और इसीलिए बात नहीं कर रही है। मिस्री ने बहुत मनाने की कोशिश की माँ को, लेकिन माँ नहीं मानी। अगले दिन नींद से उठते सबसे पहले जाकर उसने मम्मी को हग किया और कहा, मम्मा आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैं किसी रोड साइड पूल जहाँ पे बारिश का पानी जमा हो वहाँ जाकर के कभी स्विमिंग नहीं करूँगी। आप प्लीज़ नाराज़ मत हो। बस इतना ही सुनना था मम्मी को और मम्मी ने मिस्री को गले से लगा लिया और कहा, बच्चे तू कब बड़ा होगा, और कहकर उसके ललाट को चूम लिया। मिस्री ने भी मम्मी को एक किसी दे दी। तो ये थी कहानी हार्ड नॉक्स की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आइए अब हम सुनते हैं धनक मित्रा से कीबोर्ड। जब बच्चे अपने से कुछ करने की सोचते हैं तो वो हमेशा ही सुंदर होता है। ऐसी ही कोशिश की है धनक मित्रा ने भी। आइए सुनते हैं।
और दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कल हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।